देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयरिंग। यस हाँ मैम, यस मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। जी। देखो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट लास्ट क्लास चालू किए थे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया था, के बाद से करना पड़ेगा। 6 नंबर देखो बोल रहा है कि 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तर्गन, ठीक है। तो जो भी एक एक इंफॉर्मेशन दिया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। 5 बॉयज है जिसमें बोला है पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तर्गन, मतलब ये जो अरेंजमेंट है उसमें पहला कंडीशन यहाँ साइड में लिखते हैं, पवन जो है तवन के लेफ्ट में है। तो हमारे पूरे कॉपी का ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ठीक है। तो हर एक पर्सन का भी वैसे ही होगा, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तवन के लेफ्ट में कौन है, पवन है, मतलब पवन इधर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन पुट हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है बिपिन, अच्छा पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन बिपिन चवन, ये मैंने नहीं देखा था, ठीक है। तो 3 नाम है, तवन बिपिन और चवन, तो बिपिन और चवन, ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। मतलब मुझे इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, सीधा बात है कि यहाँ पवन होगा और इस जगह पे तवन विपिन चवन, ये 3 होंगे लाइन बाय लाइन। अब कौन कैसे बैठेगा वो तो देखना पड़ेगा, हम अपने मन से TBC या CVT नहीं लिख सकते हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा। तवन विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, अब नकुल के लेफ्ट में ये 3 है, तो नकुल इधर होगा तभी तो उसके लेफ्ट में ये 3 हो जाएंगे, मतलब पवन और नकुल के बीच में तवन विपिन और चवन होगा, क्वेश्चन वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग खुद से भी देखो, क्वेश्चन देखने समझ में आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे तो मेरे हिसाब से लिखेंगे ना, तुम लोग अपने हिसाब से लिखोगे तो और भी तुम लोग को आसानी रहेगा। फिर बोल रहे चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, अब थोड़ा सा पता चला चवन जो है मिडिल में है, तवन विपिन आसपास है, मतलब ये तो फिक्स्ड हो गया, चवन मिडिल में है, यही बोला है बिटवीन तवन एंड विपिन। तो अब तवन विपिन ये कंडीशन भी हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये तो फिक्स्ड हो गया, इधर पवन इधर नकुल, लेकिन चवन मिडिल में है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में कौन है, तो वो अभी तक पढ़ के तो नहीं समझ में आया, तो मैंने दोनों कंडीशन लगा लिया। फिर यहाँ पर बोल रहा है इफ बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब चलो कुछ बता रहा है लेफ्ट साइड से, मतलब ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से अगर 4 नंबर पोजिशन में जाएंगे तो कौन है, बिपिन है, ठीक है। तो ये देखो ये 1 2 3 4, यहाँ पर एक चीज तो फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पर बिपिन है, ठीक है। फिर बोल रहा है देन हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ अगर बिपिन है तो इसके बाद बिपिन और तवन के बीच में, मतलब इसका मतलब बिपिन और तवन के बीच में कौन आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, बी और टी। अब इसमें से कौन सा सूटेबल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये करना चाहिए, ये ऑप्शन लेना चाहिए, चलो लेके देखते हैं। पी टी सी भी, ठीक है, पी टी सी भी और एन, ये ऑप्शन फिर होना चाहिए। तो 5 जन को ही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो सारा कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि नकुल के लेफ्ट में तवन विपिन चवन, पवन के राइट में तवन विपिन चवन, यही बोला था, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तवन के लेफ्ट में, अच्छा ठीक है, वो भी फुलफिल हो रहा है, तवन के लेफ्ट में पवन हो गया। फिर बोल रहा है विपिन तवन विपिन चवन, ठीक है, तवन विपिन चवन के लेफ्ट में पवन और इनके राइट में चला जा रहा है, लेफ्ट में नकुल है, इनके लेफ्ट में नकुल है, ठीक है। फिर यहाँ पर बाकी सब हो गया, ठीक है। अब बोल रहे देन हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से तवन कितनी दूरी पे, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर होगा, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 4 है कि नहीं। हाँ डी, तो ऐसे होगा, अच्छा तो एक एक कंडीशन लिख के देखोगे तो समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है 6 पर्सन MNOPQ and R सीटिंग इन 2 रोज With 3 persons in each row, ठीक है। तो 6 लोग हैं, 6 लोग जो है एक एक रो में 3 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब जो सीटिंग पोजीशन है वो ऐसा है, ऐसे 3 और ऐसे 3,
तभी तो होगा ना ऐसे फ्रंट फ्रंट पोजीशन, मतलब इधर जो है इनके फेस इधर है, इनके बैक साइड इधर है, ऐसा होना चाहिए। टोटल लोग है ए मेन ओपी क्यू आर। अच्छा, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, इसका मतलब क्यू जो है वो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्यू जो है वो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्यू जो है वो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्यू जो है वो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि बोला है क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। पी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आर, पी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब पी और आर एक साथ है, बाकी लेफ्ट राइट देखते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है, पी और आर एक साइड है, और पी जो है बोला है कि कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ पी इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में पी है, ठीक है। चलो इनका पोजीशन भी बना लेते हैं, यहाँ पर आर, ठीक है, आर का लेफ्ट मतलब इधर आ जाएगा, बोला है पी सेकेंड द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के लेफ्ट साइड में कोई एक होगा, उसके बाद कौन होगा, पी होगा, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, फिर बोल रहा है ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ और क्यू नेबर है। अच्छा, ओ और क्यू नेबर है, मतलब वो एक ही रो में होंगे, ये कंफर्म है, ओ और क्यू जो है वो एक ही रो में होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ओ क्यू एक ही रो में होंगे। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, ओ इज द नेबर ऑफ, अच्छा डायगोनली ऑपोजिट टू पी, अच्छा एंड डायगोनली ऑपोजिट टू पी, तो किस कौन डायगोनली ऑपोजिट टू पी है, ओ या क्यू, ओ ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगोनली ऑपोजिट टू पी। अच्छा, तो ओ जो है पी के ऑपोजिट में बैठेगा, मतलब पी जहां होगा डायगोनली मतलब इधर होगा, अगर पी इधर है तो ओ इधर आएगा, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है एन इज द नेबर ऑफ आर, एन जो है आर का नेबर है, मतलब पी एन आर एक साथ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब पी एन आर अगर एक साथ है और क्यू और ओ अगर एक साथ है, तो और एक जन कौन बचा, एम, एम इसका मतलब इनके साथ आने वाला है, ठीक है, मतलब ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ। अब कंडीशन देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, एन इज द नेबर ऑफ आर, अच्छा एन इज द नेबर ऑफ आर, वो तो हो ही रहा है, एन और आर एक साथ है, एन इज द नेबर, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये वाला, इशारा हाँ मतलब क्यू तो बीच में ही जाएगा क्योंकि वो साइड में नहीं जा सकता है, और एम और ओ का पोजीशन देख लेना है, मतलब एक साइड में पी एन आर और एक साइड में बाकी, ठीक है। तो पी एन आर हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे, चलो देखते हैं पुट करके, अगर हम ऐसे लिखते हैं बाई चांस, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं पी एन और आर लिख दिया, अच्छा अब मुझे पी के डायगोनली ऑपोजिट मुझे क्या रखना पड़ेगा, ओ को, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ, क्यू इज नॉट द एंड ऑफ एनी रो, पी इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में हुआ पी, ठीक है। अच्छा, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, मतलब क्यू यहां पर दे देंगे तो बचा कौन, एम। अच्छा, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर हुआ, हाँ वो तो पहले ही फुलफिल हो गया, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू डायगोनली ऑपोजिट टू पी, पी के ऑपोजिट हुआ, हाँ हुआ है। अच्छा, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के इन फ्रंट में कौन है, क्यू, ठीक है, तो आंसर क्यू होगा, तो ये देखो आंसर बी। अब देखो यहाँ पर मैंने पी एन आर लिखा, क्या हम पी एन आर को नीचे लिखने से भी सेम आंसर आता, सेम आंसर आए, उसमें कोई ये नहीं है, मतलब मान लो ये तो देखो मुझे, मैंने ऐसे लिख दिया, अब कोई अगर ऐसे स्टार्ट कर रहा है कि हम पी एन आर को इधर लिखेंगे, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर लिखने से फिर लेफ्ट राइट में चेंजेस करना पड़ेगा, कैसे, देखो ये लिखोगे तो फिर कैसा कंडीशन बनना चाहिए, बोल रहा है कि यहाँ पर देखो बोथ रो इन फ्रंट, क्यू इज नॉट एट द एंड, अच्छा पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, अब आर का लेफ्ट किधर हो गया, इधर, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट में ही गया है, हाँ ठीक है, फिर ये इधर ओ हो जाएगा, इधर क्यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एम, तब भी वही आंसर होगा बी, ई क्यू ही है, ठीक है। तो फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ड्रॉ करते वक्त ऐसे भी कर सकते, अच्छा फिर एट्थ नंबर देखते हैं, देखो 6 पर्सन ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन टू रोज,
थ्री इन ईच रो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी ई, तीन तीन लोग बैठे हुए हैं. कंडीशन क्या बोला है, ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो ई जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी नहीं आएगा, ये कन्फर्म हो. ठीक है. अच्छा अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. डी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ के लेफ्ट साइड में सेकेंड में डी है, मतलब लगभग वैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा फिर बोल रहे सी द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी, मतलब डी के ऑपोजिट में ई आ जाएगा, ऐसे करके अगर देखे. और बोल रहा है सी इज द नेबर ऑफ ई, सी इज द नेबर ऑफ ई, मतलब सी जो है, लेकिन ई तो साइड में होगा नहीं, कुछ तो गलत हो गया, ई तो साइड में नहीं होगा, मैंने कुछ गलत क्या हो गया, is not the end of any row. ठीक है. D is to the second left of F. F का left ही तो किया मैंने, second left किया. ठीक है. C is the neighbor of E, is sitting diagonally opposite to D. ओ C T बोला है. अच्छा अच्छा मैंने E लिख दिया, ये हो जाए, मैंने E लिख दिया इसलिए गलत लग रहा है मुझे. C is the neighbor of E. अच्छा C जो है E का neighbor है, जो कि डायगोनली ऑपोजिट टू डी बैठा है. ठीक है, ये ठीक हो गया. अब सी का नेबर ई है, मतलब ई यहाँ नहीं आएगा, ई इन इन इस रो में ई आ जाएगा. ठीक है. अब कहाँ आएगा देखते हैं. अब बोल रहा है बी इज द नेबर ऑफ एफ, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, बी इज द नेबर ऑफ एफ. अच्छा और कुछ नहीं बोला है. अब हमें बाकी लोगों को यहाँ पर पुट करना है, तो हम यहाँ एक बार लिखते हैं, एक हो गया डी बी एफ, लिख के देखते हैं क्या कंडीशन आ रहा है. ये सी हो गया, और सी का नेबर कौन है, ई है, मतलब ई यहाँ पर आ जाना चाहिए, और बच्चा कौन, ए, हाँ ए बच्चा. ठीक है. तो ए ई सी और डी बी एफ, सारा कंडीशन फुलफिल हो गया. ई इज नॉट एट, ये तो फुलफिल हुआ है. डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में सेकेंड में डी है, चलो फुलफिल हो गया. सी इज द नेबर ऑफ ई डायगोनली ऑपोजिट टू डी, ये भी ठीक हो गया. अच्छा फिर बोल रहा है बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का नेबर है, सही है. फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द वन ऑफ द टू रोज. अच्छा ये तो हम लोग ड्रॉ नहीं भी करते तो भी आंसर दे देते कि हाँ कि एक रो में तीन कौन कौन एक साथ है, तो ए ई सी डी बी एफ, तो कौन सा आंसर होगा, ए होगा है ना, डी बी एफ, हाँ डी बी एफ. ये अगर हम लोग नहीं भी करेंगे ड्रॉ, क्योंकि हमें सीटिंग पोजीशन चाहिए ही नहीं, ये ओरली हो जाएगा कि डी बी एफ जो है वो एक साथ है, एक ही रो में, ये हमें पता है. अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है. दैट फॉलोस, तो बोल रहे फाइव बॉयज है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव आर सीटिंग इन ए स्टेयर्स इन द फॉलोइंग वे. A5 is above A1, A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3. Who is at the lowest position of the stair? बनाओ, बना के बोलो. Lowest position में stair में कौन? A ऑप्शन नहीं, थ्री ए थ्री, हाँ सही है, ए थ्री मतलब ऑप्शन बी है. तो ए वन से लेके ए फाइव तक है. ठीक है. ए वन से लेके ए फाइव तक स्टेयर्स है, तो ऐसे स्टेयर्स बना देते, वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ ठीक है. अच्छा बोल रहा है ए फाइव इज अबव ए वन, ए फाइव जो है वो ए वन के आगे है. ठीक है. तो अबव ए वन ये मैंने लिख लिया. ए फोर इज अंडर ए टू, तो ए फोर इज ए टू के अंडर ए फोर है, अलग अलग कंडीशन लिख रहा है. ए टू इज अंडर ए वन, और ए टू जो है वो ए वन, मतलब अंडर ए वन है, तो ए वन ऊपर चला जाएगा. ए फोर इज बिटवीन ए टू एंड ए थ्री, ए फोर जो है वो ए टू और ए थ्री के मिडिल में है, मतलब ऐसा हो जाएगा.
अच्छा बस और कुछ नहीं बोला, इसके हिसाब से हमें अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो फिर A1, A2, A4, A3 ये तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर A5 इज अबव A1, अच्छा तो A5 इसके ऊपर लग जाएगा और A5 के नीचे A1, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? A5, उसके नीचे A1, फिर A2, फिर A4, फिर A3, ठीक है, हो गया। अच्छा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, हु इज द लोएस्ट पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन में A3 है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। अच्छा 10th नंबर देखो, बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रेन आर सीटिंग इन ए रो, ए सी सीटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। अच्छा फिर टी इज सीटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सीटिंग ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी इज नॉट सीटिंग नेक्स्ट टू के, हु इज और आर एडजेसेंट टू एस, मतलब एस के साथ पूरा एडजेसेंट में कौन है, एक है या एक से ज्यादा लोग है, वो हमें बताना है। अच्छा अब ये जो है ना, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, इसका मतलब यहाँ पर कंसिडर करना है कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ठीक है। ये हम बता देते हैं, ये कभी कभी जो है इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कर सकते हो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सीटिंग नेक्स्ट टू पी, इसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके हिसाब से तुम लोग को आंसर मुझे देना है, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा 10th वाला क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, जस्ट मैंने बता दिया, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन देख के हम लोग कर सकते हैं, और ये वाला बताओ करके क्या होगा आंसर 10th का। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी देखो, एक्सेसिबल में गाइडिंग मुझे कुछ देखने में नहीं था, एडजस्टिंग मनी पास अप पास डी होगा आंसर। देखो जो आंसर आंसर पी एंड टी होंगे, डी ऑप्शन पी एंड टी। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो एस और पी सीधा बातें एक साथ है, अब एस पी भी हो सकता है, पी एस भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, और टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब टी पी या पी टी ये ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर के नेक्स्ट जो है वो के है, के टू सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो के आर या आर के ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, तो के
के जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में, मतलब सबसे पहले के या फिर आर, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, अच्छा हु इज सिटिंग मतलब आर, ठीक है तो आर यहाँ पर होगा, आर एक्सट्रीम लेफ्ट में है और आर के जस्ट बाद कौन हो जाएगा फिर, के मतलब हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा, ये बोल दिया है क्वेश्चन में, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, अच्छा के बगल में टी नहीं जाएगा ये बता दिया है, मतलब के टी या टी के होने का तो कोई चांसेस है नहीं, के टी के कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, हु इज और आर एडजेसेंट टू एस, एस के आसपास कौन है, ठीक है तो ये आर के लिख लिया हम लोगों ने, इसके बाद के टी वाला सिचुएशन नहीं हो सकता है, मतलब के बाद कोई एक पर्सन आना चाहिए, उसके बाद टी आए तो आ सकता है ना, या फिर एंड में आए, चलो यहाँ पर बोल रहा है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, और एक कंडीशन भी है टी और पी एक साथ नहीं जाएगा, टी पी या पी टी ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल नहीं होगा, के टी के भी नहीं होगा, मतलब के बाद भी हम लोग टी को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है अच्छा तो फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पी टी भी नहीं हो सकता है, तो अगर मुझे यहाँ फिर क्या लिखना पड़ेगा, टी मिडिल में दे देते हैं, बचा कौन, अभी हमारे पास बचा कौन है, नाम पुट करने के लिए एस और पी, ठीक है तो टी मिडिल में दे देते हैं, ठीक है और यहाँ पर क्या देते फिर पी, और यहाँ पर दे देते हैं एस, टी इधर देते हैं, इससे क्या हुआ एस पी या पी एस कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, और टी जो है के टी भी नहीं होगा, और क्या है हम लोग का पी टी भी नहीं होगा, टी को मिडिल में नहीं दे सकते, देखो हम लोगों ने आर के तो फिक्स कर लिया, लेकिन अगर टी को यहाँ दे देते हैं और पी एस यहाँ दे देते हैं फिर टी पी हो जाएगा, वो हमें नहीं चलेगा, तो ये कंडीशन तो नहीं कर सकते, आर के फिक्स्ड है, अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं, और वैसे भी टी पी या पी टी तो होगा ही नहीं, ठीक है मतलब टी को हम पी के साथ भी नहीं रख सकते हैं और किसके साथ नहीं रख सकते, के साथ भी नहीं रख सकते, मतलब इधर तो टी होगा ही नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं, मतलब के बाद टी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है तो बचा क्या, या तो पी एस होगा या एस पी होगा, तो मैंने पी एस लिखा है, अगर एस पी लिखोगे तो फिर इधर टी आ जाएगा वो भी नहीं चलेगा, इसीलिए हमें यही वाला लिखना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है जो लिखने से सारा कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है तो फिर यही लिखना पड़ेगा, बोला कि एडजेसेंट कौन है एस के आसपास, ठीक है तो एस के आसपास पी और टी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी पी एंड टी, ये वाला, ठीक है अच्छा 11th नंबर में देखो बोल रहा है फाइव सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मिस्टर मोहन लिव्स इन ए फ्लैट अबोव मिस्टर अशोकन, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, नाम दिए सीनियर सिटीजन मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट अबोव मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट, बना इसका फ्लैट कहाँ है, बोला है कि कौन टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला फ्लैट किन का है वो बताना, टॉप मोस्ट का मतलब वही, मैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हाँ सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तो यहाँ पर देखो बोल रहा है मिस्टर मोहन लिप्स इन फ्लैट एवो मिस्टर अशोकन, मतलब ये हो गया मिस्टर ए लिख देते हैं, ठीक है अच्छा मिस्टर अशोकन के ऊपर वाला मिस्टर मोहन का है ये बोला है, ठीक है मिस्टर मोहन लिप्स इन फ्लैट एवो मिस्टर मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो मिस्टर लोकेश का जो फ्लैट है वो मिस्टर जी के गौरव के नीचे वाला है, ठीक है फिर बोल रहा है मिस्टर अशोकन लिप्स इन फ्लैट एवो मिस्टर गौरव मिस्टर मिस्टर अशोकन, ठीक है तो अशोकन का फ्लैट यहाँ पर है, ठीक है ये बोला है एवो बोला था ना मिस्टर जी, हाँ एवो मतलब ये ऊपर चला जाएगा, अच्छा ये
ये वाला इसके ऊपर जाए, मिस्टर अशोका, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली मुआन वाला चला जाएगा, मतलब मिस्टर एम वाला फ्लैट, उसके नीचे आ रहा है मिस्टर ए, उसके नीचे मिस्टर जी, उसके नीचे मिस्टर एल। अभी तक हम लोगों ने ये जो पढ़ा उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिस्टर राकेश लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो इनके नीचे वाला फ्लैट, ठीक है, ऐसा ही। फिर हु लिव्स इन टॉप मोस्ट, तो तुम लोगों ने सभी ने आंसर दे दिया ये वाला मिस्टर मोहन, ठीक है। तो मिस्टर मोहन का मतलब ऑप्शन सी। 12th नंबर देखो, इन ए गैदरिंग सेवन मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट नॉट राइट टू डी, ए इज सिटिंग राइट टू बी, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन मिडिल। तो ढूंढना है मिडिल में कौन बैठा, सर्कल है ये वाला, नहीं रो है, सर्कल नहीं रो है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर उसमें डी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, बोल रहा है कि सब कोई रो में है, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले बी के लेफ्ट साइड में सी होगा, पहला कंडीशन, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट नॉट ऑन द राइट ऑफ डी, लेकिन डी के राइट साइड में सी नहीं जाएगा, मतलब डी जो है वो सी के इधर कभी नहीं आ सकता है, मतलब बी के बाद ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट साइड में, मतलब ए यहाँ पर हो जाए, ठीक है, बट ऑन द राइट टू बी, अच्छा बोला है, बट ऑन द राइट टू डी, अच्छा सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट टू डी, अच्छा तो फिर वो भी लिख लेना, तो डी इधर हो जाएगा, तब हो गया, अच्छा मतलब डी सी बी ये बनेगा। अच्छा फिर बोल रहा है ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए इज सिटिंग राइट टू बी, ये हो गया। फिर बोल रहा है एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग, अच्छा एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में, डी का लेफ्ट इधर, मतलब इधर आ जाएगा, किसका पोजीशन आ जाएगा, एफ का, अच्छा राइट टू, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, ई के राइट में, तो ई इधर आ जाएगा, तभी ई के राइट में हो जाएगा। अच्छा एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में, तो एच इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में फिर कौन है, टी, तो ऐसे बन जाएगा एच ई एफ डी सी बी ए, ये कंडीशन होगा, मिडिल में डी है, ऑप्शन हम लोग का हो गया बी, आंसर डी। 13 नंबर देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड करके 13 से लेके 17 तक का आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्या बोला है देखो, ए टू एच आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड होगा, तो तुम लोग अगर मतलब पोजीशन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ करना चाहते हो तो ऐसे करके फेस सबका होगा, इसका इमेजिनेशन करोगे तो हो जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट, सबका फेस जो है वो ऐसे रहे, ऐसे करके इधर रहे। अच्छा ए से लेके एच, तो कितने लोग हो जाएंगे ए से लेके एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8, ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोग हो जाएंगे। अच्छा अब बोल रहा है सी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ जी, ओनली टू पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, B and F are immediate neighbor of each other. B is not an immediate neighbor of A. Immediate neighbor का मतलब होता है
बिल्कुल पास पास उनके बीच में कोई नहीं होगा, ठीक है। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, तो ये कुछ कंडीशंस बोला है। इससे पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद मुझे बताओ कि ड्रॉ कैसा हुआ, फिर हम लोग 13, 14, 15, 16, 17 आंसर देंगे। मतलब ड्रॉ में लाइन बाय लाइन कैसे बैठना है वो बताओ, फिर हम आंसर मतलब फिर 13, 14 हम लोग डील करेंगे कि कैसे। नहीं हो रहा, एक एक करके देखो क्योंकि इतना सारा चीज है, हर एक पॉइंट को डील करना चाहिए। जैसे सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, पहले इसको डील करना है, फिर डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ऐसे करके कर दो। मतलब जी के दो पोजीशन बता दिए, सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। मतलब देखो हर एक कंडीशन को एक 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 करके करके फिर ऐड करोगे तो हो जाए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ना इस वजह से। পাশাপাশি থাকেই নট মানে তো পাশাপাশি থাকে ইমিডিয়েট নয় ডিস্টেন্স ওয়ালাও নয় কোনোভাবেই নে পারো।
মানে পাশাপাশি হবে না, একটু দূরে অবশ্যই হতে পারে, সে কোথাও তো একটা হবে, কারণ এই তো আলাদা থাকবে না, কিন্তু পাশাপাশি হবে। अच्छा देखो, सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, पहले ये सेट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जी लिख देते हैं, जी के फोर्थ साइड में, फोर्थ पोजीशन में लेफ्ट में कौन है? सी है, ये हम लिख देते हैं। अभी पता नहीं क्या सही होगा, ठीक है, ये पहला कंडीशन। बोल रहा है सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ डी, जी डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी का राइट साइड किधर है? तो सेकेंड, सेकेंड पोजिशन में कौन है? डी है, मतलब ये फिक्स्ड है। देखो ये होगा ही होगा जो भी ड्रॉ हो जाए हमारा। ओनली टू पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, ठीक है, तो डी और ए के बीच में दो लोग होगा। अब देखो अगर हम ए यहाँ लिखते तो भी दो लोग आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है ए जी गैप डी, या फिर एक तो ये कंडीशन हो सकता है इस ड्रॉ के हिसाब से, या फिर ऐसा हो सकता है डी फिर यहाँ पर दो गैप और यहाँ पर क्या आ सकता है ए, अगर इधर हुआ, अगर इधर हुआ तो ऐसा होगा, अभी पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने लिख के रख लिया। फिर बोल रहा है बी एंड ए फॉर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर, मतलब मेरा ये कंडीशन होगा या तो ऐसे या तो ऐसे, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ का पुट करें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखो थर्ड और फोर्थ, देखेंगे क्या होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है B is not an immediate neighbor of A, लेकिन B के साथ A नहीं जाना चाहिए, मतलब बी ए या ए बी ऐसा कोई कंडीशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि H is not neighbor of D, अच्छा इमीडिएट नहीं है और H is not neighbor of D, मतलब H D या D H ये भी हमें नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी हमें नहीं चलेगा। अच्छा तो अगर H D या D H मुझे नहीं चलेगा तो क्या पुट करना पड़ेगा? अच्छा तब अब हमें जो कंडीशन बोला था ए और डी के बीच में दो लोग होंगे, तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं, यहाँ ए कर देते हैं जी, अच्छा बीच में क्या डालेंगे फिर? अच्छा ये हो गया मेरा, अब पुट करके देखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला ले लिया डी, ऐसे ब्लैंक दे के ए कर दिया, ठीक है, अच्छा अब तब तो इधर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बस एक ही स्पेस खाली है आठ लोगों के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये तो फिक्स्ड है ना, इसको तो चेंज नहीं करना है। जी के इधर से फोर्थ नंबर पे सी और जी के इधर से सेकंड नंबर पे डी, तो इसका मतलब मुझे अगर इसको आगे करना ही है तो मुझे जो भी डेटा पुट करना है इसी के अंदर करना है, हम इधर तो लेके जा नहीं सकते। अगर इधर लेके नहीं जा सकते तो मेरा कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया? ये वाला खत्म हो गया, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ए जी गैप और डी वाला। तो यहाँ ए जी हो जाएगा, यहाँ गैप और डी, क्योंकि कंफर्म कर दिया है कि डी और ए के बीच में दो लोग, ठीक है। अब मुझे क्या नहीं चलेगा? ए बी या बी ए नहीं चलेगा, मतलब यहां बी इस जगह पे बी नहीं आ सकता है, ये मैंने जो है कंफर्म कर लिया। और बी एफ या एफ बी चलेगा, ये बोल रहा है चलेगा, तो यहाँ बी नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ एफ तो आ सकता है क्योंकि ये दोनों नेबर है, तो दो दो बगल बगल बैठाने के लिए मेरे पास बी एफ का जो कंडीशन है वो फिर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ बी और यहाँ एफ, हम फिर ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये लेने से बी और ए आसपास हो जाएगा जो मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बोला है एच डी मुझे नहीं चलेगा, तो फिर एच को कहाँ दे? डी एच, एच लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में होने से भी तो ठीक है, एच इधर हो जाएगा, एच इधर हो जाएगा, या तो इधर ऐड कर सकते हैं या तो इधर तो कर सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। एच इधर, इधर नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बोलो तो? हाँ अच्छा, एक एक मुझे लगता है कुछ छूट गया, रुको, एच तो इधर होगा लेकिन मुझे लगता है कोई एक नाम और छूट गया जिसका इंफॉर्मेशन, हाँ ई के बारे में क्या बताया था बोलो तो? या कुछ, हाँ तो फिर उसको पुट कर देंगे। देखो अब मेरे पास दो ही रहा, ए लिख दिया मैंने, ए बी सी डी, मेरे पास ई रहा और क्या बच गया था? एच बच गया था।
अब एच यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ भी नहीं दे सकते, यहाँ दोगे तो एच डी, यहाँ दोगे तो डी एच, दोनों ही मुझे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हटाओ, एच मेरा यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आ सकता। ये देखो ऊपर लिख देते हैं, एच मेरा ये दो जगह पे नहीं आ सकता है, ठीक है, तो मुझे इधर जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये पोजिशन वैसे ही हमारा आउट हो जाएगा, ये 8 नंबर नहीं, क्योंकि इधर से फिर मेरा 1 काउंट हो गया, तो फिर ई कहाँ पर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एच सी बी एफ ए जी ई और डी, ऐसे करके हो। अच्छा अब एक एक करके क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। अब देखो बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन हु सीट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड पर्सन हु सीट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। मतलब राइट साइड से सिक्स और लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर के बीच में कौन बैठा है, तो राइट साइड से सिक्स नंबर पे कौन है, राइट साइड से सिक्स नंबर पे 1 2 3 4 5 6 कौन हो रहा है, बी हो रहा है। राइट साइड से सिक्स और लेफ्ट साइड से फिफ्थ, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये ए है, तो इनके बीच में कौन है, एफ है, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 13 का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ऑप्शन डी लिख दिया मैंने ये। 14th में बोला है हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ सी, सी के राइट साइड में थर्ड में, तो सी कहाँ है, ये सी का राइट साइड इधर 1 2 3 कौन है, ए, तो ए मतलब ऑप्शन सी। 15, 15 नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, मतलब एकदम साइड कॉर्नर में कौन दो है, एच और पी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी, डी एच लिखा है तो हम लोग वही वाला लिख लेंगे, ऑप्शन डी। अच्छा फिर ये हो गया 15, 13, 14, 15, 16, 16th नंबर में क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रेस्पेक्ट टू एफ, एफ के रेस्पेक्ट में देखे तो एच का पोजीशन क्या है, तो एच इधर है, मतलब 1 2 लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पे है, जैसे बोला है जैसे थर्ड टू द लेफ्ट, एफ के हिसाब से बताना है, मतलब 16 का ए हो जाएगा। सर वही पूछ रहे हैं ये तो, विद रेस्पेक्ट टू हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1, सिर्फ जी बैठा है, ठीक है, तो जी मतलब ए हो गया। लेकिन ये ड्रॉ करने आना ही मुश्किल था कि, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है बोल सकते हो, जब तक ये हमें नहीं समझ में आएगा तो इतना सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे पाए। 17 तक हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम लोग 18 से, 18 वाला क्वेश्चन भी कर सकोगे तो 18 से 22 तक आंसर दे पाएंगे, तो इसमें भी शायद इस तरीके से अलग अलग पॉइंट बोला है, देख ट्राई करके देखो 18 से 22, अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। टेन स्टूडेंट्स ए टू जे सीटिंग इन ए रो फेसिंग वेस्ट, ठीक है, अब तुम लोग ऐसा नहीं कि वेस्ट के तरफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तुम लोग ऐसे नॉर्मल कर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे फेसिंग के साथ कुछ लेना देना है नहीं, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वही मेन, मतलब ऐसे वेस्ट के हिसाब से होगा तो ऐसे फेस इधर होना चाहिए ना, ऐसे 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 करके, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे करके ड्रॉ करो, तुम लोग चाहो तो नॉर्मल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, उसमें भी आंसर सेम ही आ जाए। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारा इनपुट। हाँ तो हाँ नॉर्थ, हाँ वैसे भी कर सकते, वैसे करोगे तो नॉर्थ साउथ आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा।
नॉर्मली लेफ्ट हैंड नॉर्थ होता है और राइट हैंड जो है वो साउथ होता है, अगर ईस्ट की तरफ फेस करना, नहीं तो वैसे ड्रॉ कर दो वेस्ट की तरफ फेस करके। हाँ ये साउथ की पर ये तो जस्ट नीचे का था कि तो नीचे डायरेक्शन से कौन सा डिशन करना पड़ेगा। এটি সাউথ অফ ডি, তার মানে ডি এর সাউথ এ মানে নিচে এফ থাক। ये जस्ट लेकिन यहाँ पर ऐसे करने से होगा, मुझे लग रहा है नॉर्थ साउथ का ना हमें जो है इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड के हिसाब से करना पड़ेगा। देखो करके क्या आ रहा है फिर। वो थोड़ा सा मुश्किल हो। लाइन बाय लाइन नहीं रहेगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, नीचे ऊपर करेंगे तो मुश्किल होता है। ऐसा कर सकते हो अगर तुम लोग ऐसे फेस बना रहे हो ना, मतलब ऐसे कर रहे हो, सपोज ऐसे कर रहे हो तो ये अगर वेस्ट मान रहे हो, मान लो हम लोग कॉपी को घुमा रहे हैं ये वेस्ट होगा तो इसके इधर क्या हो जाएगा ईस्ट। अब कंपास को उल्टा करो तब नॉर्थ साउथ कैसे दिखेगा। नॉर्मली तो ये होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ होता है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ये वेस्ट ऊपर चला गया तो नॉर्थ किधर आ जाएगा,
इधर और साउथ किधर आ जाए, मतलब कंपास को सोचो कैसे टर्न कर रहे हो, उसके बाद करके देखो हो रहा है क्यों। हाँ अब ये पुट कर पाओगे, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है, तो आई जहां भी होगा मतलब बी के नॉर्थ में होगा, मतलब मान लो बी यहाँ है तो आई उसके बाद इधर होगा, तब पोजीशन फिट होगा। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी मुश्किल है, अगर तुम लोग ऐसे करके कर दोगे वेस्ट की तरफ फेस है तो नहीं कर पाओगे, ऊपर नीचे बन जाएगा। ये कर सकते हो कि कंपास को सोचो टर्न कर दिया तो वेस्ट ऊपर चला गया, ये नीचे एक एक करके नीचे आ जाए, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जाए, एक एक करके नीचे आ जाए, ये पोजीशन लगाओ बन जाए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे करना होगा। और बाकी लेफ्ट राइट नॉर्मल रखो, जो जहां पर है उसका, जिसका बस नॉर्थ साउथ बताए उसके लिए जो है साइड को चेक करना है। ठीक है देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। 18th नंबर, ठीक है, हम लोग को कैसे करना है ये देखो, वेस्ट यहाँ वेस्ट रखेंगे, ठीक है, इधर हम लोग रखेंगे फिर ईस्ट, और नॉर्थ मेरा किधर आया इधर, और साउथ मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है, इसका पोजीशन ऐसे होना चाहिए। चलो अब बाकी चेक करते हैं, सबसे पहले छोटा छोटा कंडीशन को लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है बी एंड ए आर नॉट सीटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, पहला बात है ए से जे कितने लोग हो जाएंगे, 10, ठीक है, तो 10 ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला कंडीशन से ये कंफर्म होता है बी और एफ जो है यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब यहाँ बी नहीं आएगा यहाँ एफ नहीं आएगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली बोलो तो यहाँ बी नहीं आएगा यहाँ एफ नहीं आएगा, इसका मतलब तो यही है, पहले कंडीशन का मतलब कि किसी भी एजेस में ये दो नहीं जाने चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जी, जी जो है वो डी के लेफ्ट में, मतलब आप यहाँ पर छोटा छोटा करके कर रहे हैं, जी जो है वो डी के लेफ्ट में, मतलब ऐसे होना चाहिए जी डी का कंडीशन, ठीक है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, अब इनके बीच में कोई आ सकता है, देखेंगे क्या होता है। जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट साइड में है, मतलब जे एच होगा, है ना, ये होना चाहिए। अच्छा ये दो तीन कंडीशन लिख लिया, अच्छा दो लिखा है, देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई से लेके ए के बीच में चार लोग होंगे, ठीक है, अब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, जो भी कंडीशन हो सकता है मुझे सारा लिखना पड़ेगा, ए फोर पर्सन्स ए या फिर ए फोर पर्सन्स ई, अब कौन सा सूटेबल होगा वो तो देखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, तो आई जो है वो बी के नॉर्थ में होगा, मतलब यहाँ जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम लोग अगर जाए तो नॉर्थ आई जो है नॉर्थ ऑफ बी होगा, मतलब कंडीशन मेरा क्या होना चाहिए, बी आई जब भी होगा इसके हिसाब से अगर देखे तो मेरा क्या होना चाहिए, बी आई होना चाहिए, आई बी होने से नहीं चलेगा, तब नॉर्थ वाला सिचुएशन नहीं आएगा इसके हिसाब से, तो जब भी होगा बी आई होगा, और एफ इज साउथ ऑफ डी, तो एफ अगर डी के साउथ में है तो यहाँ डी और यहाँ एफ होगा, मतलब एफ डी होना चाहिए, जब भी होगा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एफ डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साउथ होने से देख लो यहाँ पर पुट करोगे तुम लोग समझ जाओगे, अगर एफ डी करोगे तो ही डी के साउथ में एफ जाएगा, अगर डी एफ कर दोगे तो फिर तो उल्टा हो गया, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ कंफर्म हुआ यहाँ तक, अब आगे देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं, जे इज बिटवीन ए एंड डी, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है, तो जे इज बिटवीन, जे इज बिटवीन ई ए एंड डी, तो ए डी जे भी हो सकता है, डी जे ए भी हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या होगा, और बोला है
जी इज बिटवीन ई एंड इफ, ठीक है, जी इज बिटवीन ई एंड इफ या फिर एफ जी ई, पता नहीं कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर, देयर आर टू पर्सन बिटवीन एच एंड सी, ठीक है, तो एच और सी के बीच में दो लोग जाएंगे या फिर सी ये, ठीक है, तो ये दो दो कंडीशन जो है मैंने इस तरीके से टिक कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बात है यहाँ बी और यहाँ एफ हम लोग नहीं दे सकते, मतलब बी हम लोग का मिडिल में जाएगा। अच्छा स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर हम लोग कोई भी कंडीशन से स्टार्ट करते, जैसे मान लो ये ई फिर चार लोग होंगे फिर ए आएगा, या फिर ए चार लोग ई आएगा, तो इसी से पहले स्टार्ट करते क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पुट हो जाएगा, ई फोर पर्सन ए या फिर ए फोर पर्सन ई, पहले इस पे चेक करेंगे, तो पहला हम इसी पे चेक कर रहे हैं, ई फोर पर्सन और यहाँ पर मैंने दे दिया ए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक चीज बोला था, देखो ई जी एफ या फिर एफ जी ई हो सकता है, तो ये अगर ई है, ठीक है, तो मेरा इसके बाद क्या आ सकता है, या तो ऐसे हो सकता है अगर हम ई स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं तो ई जी एफ हो सकता है, ठीक है, या फिर एफ जी ई, तो एफ जी ई तो इसमें फिट नहीं होगा, ई जी एफ कर दिया। अब देखो बोल रहा है एफ के बाद क्या आना चाहिए, डी, तो चलो पुट करके देखते डी, और जी डी एक साथ होना चाहिए, लेकिन अगर ये हम लेंगे तो मेरा जी डी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, देखो ये तो फुलफिल होना पड़ेगा ना, ये तो मस्ट है, मुझे जी डी चाहिए, लेकिन अगर हम ई जी एफ करेंगे तो मेरा जी डी कैसे आएगा, वो तो नहीं आएगा क्योंकि मेरा डी जी हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ई जी एफ डी, यहाँ पर जी डी तो एक साथ नहीं आया, मुझे जी डी एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर ई जी एफ डी नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, ई जी एफ डी, ई जी एफ डी, अच्छा जी डी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने क्या लिखा था, जी डी कहाँ चला गया, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, ठीक हुआ है, डी के लेफ्ट साइड में जी, तो इमीडिएट नहीं होगा तो भी तो चलेगा, हाँ डी के लेफ्ट में तो जी गया, इमीडिएट तो नहीं बोला था, चलो ये कंडीशन तो फुलफिल हुआ। अच्छा फिर डी के साथ कोई कंडीशन है, डी जे ए होना चाहिए, चलो यहाँ जे लिख के देखते हैं ना होता है कि नहीं, डी जे ए ये भी फुलफिल हुआ, ठीक है, अच्छा ये फुलफिल हुआ, अच्छा यहाँ पर ई जी एफ हम लोगों ने फुलफिल किया, तो ये दो दो ऑप्शन में से कौन सा लेके हम लोग कर रहे हैं वो देख रहे हैं, यहाँ से ये ऑप्शन ले लिया, जे एच होना चाहिए, जे एच का कंडीशन क्या था, बोला था कि एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट में होगा, तो एच जो है वो जे के राइट में होगा, तो हम इसके बाद लिख सकते हैं एच, तो राइट में ही तो हुआ, ठीक है, जे के राइट में एच चला गया, तो इतना सारा तो हुआ, ई जी एफ डी जे एच, अच्छा और क्या बोला था, बी आई और एफ डी होना चाहिए, एफ डी तो हुआ, बी आई होना चाहिए, बी के नॉर्थ में आई बोला है, तो एच हुआ, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद बी आई लिख सकते हैं, चेक करते हैं, बी आई लिख दिया, कितना लोग हो गया, 10 लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन बच गया, सी, अच्छा तो मेरा क्या होना चाहिए, सी दो पर्सन एच ऐसे होना चाहिए, सी दो पर्सन एच या फिर एच दो पर्सन सी होना चाहिए, एच हो गया दो पर्सन, अब यहाँ सी लगा देते हैं, अब ये लिख के देखते हैं मेरा सारा कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेशन, हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते, अब ये जो बना इसको एक बार चेक करते हैं, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, जो सबसे बड़ा डेटा था ई और उसमें चार लोग और ए, अब जरूरी नहीं कि ये सही होता, अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर से करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो बोल रहा है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एज, तो देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनना मतलब आंसर किया उसमें बी एफ साइड में है भी नहीं, ठीक है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जी गया, ये देखो डी के लेफ्ट में जी गया, एरो बनाया हुआ है, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट में है, तो जे के राइट में ही देखो एच है, चलो ये भी कंडीशन फुलफिल हुआ, देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में चार लोग हैं, 1 2 3 4 ये भी फुलफिल हुआ, ठीक है, फिर बोल रहा है आई इज नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में आई है, बिल्कुल ये भी फुलफिल हुआ, ठीक है, फिर बोला है एफ जो है डी के साउथ में है, डी कहाँ गया, ये रहा डी के साउथ में एफ है, ये देखो ड्रॉ के हिसाब से साउथ गया,
अच्छा जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे, हाँ ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में जी, हाँ ये भी बना हुआ है। देयर आर टू पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में दो पर्सन, अभी अभी तो देखा, हाँ ठीक तो लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो आंसर होगा ई जी एफ डी जे ए एच बी आई सी, ठीक है। अगर हम लोग ये ऑप्शन ले लिया, अगर मान लो इससे शुरू कर देते ए चार डेटा, फिर इसके बाद ये जो ई ये करते, तो ये हम लोग का आगे लिखोगे तो समझ जाओगे नहीं होगा। चलो अगर पहले बार में हमारा आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेते तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बोला है हु इज सिटिंग एट द सेवेंथ प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से सेवेंथ में कौन है, तो लेफ्ट साइड कौन सा है, लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट वही फिक्स्ड है, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड से सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 एच है, ठीक है। ওইভাবে করলে হবে না, তো ওর নিচে সাউথ চলে গেলে তুমি বুঝতে পারবে না, তো ওই জন্য বললাম না কম্পাসটা। হ্যাঁ আমি একটু আগেই বললাম তো এই কথাটা, ওই জন্য ওরকম করলে তো ওপর নিচ হলে কি করে ফাইন্ড আউট হবে। সেভেন্থ প্লেস মে কোন হ্যায় এইচ হ্যায় মতলব এ, ঠিক হ্যায় অপশন এ। 19 কা দেখো, ও অপশন এ নেই বল রহা হ্যায়, ইয়াহাঁ বল রহা হ্যায় আইদার এইচ অর সি। আচ্ছা क्यों बोला है वो भी बताते। देखो अगर हम लोग इस पूरे ड्रॉ में यहाँ पर कर देते हैं, देखो हम लोग को पूछा था हुई सिटिंग एट द सेवेंथ प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ प्लेस में हम लोग का एच आ रहा है। अब बोल रहा है यहाँ अगर हम लोग सी और बी आई और एच कर देते तो भी हमारा सारा कंडीशन फुलफिल होगा, कुछ भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगर कोई ऐसा ड्रॉ कर रहा है लाइक ई जी एफ डी जे ए सी बी आई एच, तो उसका आंसर सी होगा। अगर कोई ऐसा ड्रॉ कर रहा है एच होगा, इसीलिए दोनों ड्रॉ हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ ये आंसर देख के आ जाएंगे ना तो फिर हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग देख सकते हो, फिर से चेक करोगे तो यहाँ सिर्फ देखो ये दोनों कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, ये भी, तब भी हमारा ड्रॉ सही बनेगा। इसीलिए 18 का आंसर हम लोग का क्या होगा, आइदर एच और सी, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, ए नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक ही ड्रॉ पे मत जाओ, ठीक है, पूरा मेहनत करके हमें देखना पड़ेगा बाकी क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, किसी भी एक एंड में एक जन तो होगा ही, सी एच ई या कांट बी डिटरमाइंड, ई, ठीक है ई होगा। तो 19 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी। अच्छा फिर 20 का देखो क्या बोला है, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के जस्ट बगल में कौन है, बी और सी है, देखते हैं ऑप्शन बी सी, बी तो कंफर्म होगा ही होगा, सी भी हो सकता है उसके साथ एच भी हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग को क्या बोला है, बी सी बी एच ए एच, बोलो क्या होगा, तुम लोग अपना वो ड्रॉ देख के बोलो, बी सी बी एच ए एच कौन होगा, बी बी, ऑप्शन कौन सा होगा 20 का आंसर, हाँ। तो फिर यहाँ पर देखो बी सी बी एच दोनों ही हो सकता है ना, ये देखो बी सी भी हो सकता है, आई का नेबर बोला है ना, तो बी सी भी हो सकता है बी एच भी हो सकता है, तो इसका मतलब आंसर देना चाहिए था बोथ ए एंड बी, लेकिन मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, क्या है, कांट डिटरमाइन, ठीक है। तो हम लोग डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं, बट क्योंकि दो ड्रॉ है तो हमें बोला नहीं है बोथ, तो इसके लिए इसी हिसाब से अगर एग्जाम में ऐसा होगा तो फिर कौन सा ठीक करके आओ, डी करना पड़ेगा फिर, कांट डिटरमाइन, ठीक है। कि हम लोग सही तरीके से मतलब बोल नहीं पा रहे कि दोनों में से कुछ भी, मतलब ऑप्शन एक्चुअली ये होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन देने का पैटर्न ही थोड़ा गलत दे रखा है, ऑप्शन में हमें लिख के उनको देना चाहिए था तो बोथ दिस वन एंड दिस वन। अब नहीं बोला है तो बोलेंगे कांट डिटरमाइन, क्योंकि हम लोग ऐसे इस हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो दोनों आंसर आ रहा है ना। फिर 21, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पोजिशन पे, जी, ये तो कंफर्म है किसी भी हालत में जी, कोई भी ड्रॉ कर लो तो जी मतलब ऑप्शन ए। और 22 भी है। अच्छा बोल रहा है जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन हु बिकम्स द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी और ए अपना पोजीशन अगर इंटरचेंज करेगा, ठीक है, तो जी और
ए अगर अपना पोजीशन इंटर मतलब यहाँ ए यहाँ जी हो जाएगा, दोनों ड्रॉ के लिए सेम चीज एप्लीकेबल होगा, तो बोल रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ई कौन हो जाएगा। हाँ दोनों केस में ए ही होगा, ठीक है, दोनों केस में ए होगा, मतलब आंसर ओनली ए, इसीलिए ओनली ए दिया है क्योंकि दोनों केस में ए ही होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक जगह इंटरचेंज जी आ रहे तो इंटरचेंज कर लो, तो जी एर जाएगा ए, एर जाएगा जी, ताले जी एर इमीडिएट नेबर तो ई। আমরা তো তাই করছি এখানে, ইমিডিয়েট নেবার অফ ই জিজ্ঞেস করেছে, তো ই এর ইমিডিয়েট নেবার তো একটাই লোক হবে না, জি, ই তো ফোনে আছে, ই এর এদিকে তো কেউ নেই, তাহলে এদিকে তো কোনো নেবার হচ্ছেই না, তাহলে ই এর এতক্ষণ নেবার জি ছিল, এবারে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তো এই হবে, ই এর ইমিডিয়েট নেবার তো একদিকেই আছে, এই তো এখানে কর্নারে আছে, অন্য কেউ তো হতেই পারে। আচ্ছা আব দেখো ইহা পর 23 সে 24 দো আনসার মিলেগা। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ सेवन सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन स्टेज एज फॉलोज। ठीक है, तो लाइन पे खड़े हैं स्टेज में, 10 सिंगर्स, सेवन सिंगर्स है। अच्छा डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब सी का राइट साइड में, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो सी का ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा, सी के डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब सी के राइट में, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा, मतलब सी डी ये बनेगा, ये तो फिक्स्ड हो गया ये बात, ठीक है, पहला कंडीशन। फिर एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, तो फिर कैसे होगा, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, हाँ मतलब एफ जी या फिर जी एफ, इसमें से कोई एक हो सकता है, सेकेंड वाला। अच्छा फिर बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये सेकेंड वाले का दो ऑप्शन, थर्ड वाले का बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ उसका लेफ्ट साइड में बी, मतलब यही वाला होगा बी एफ, है ना। अच्छा फिर बोल रहा है ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, मतलब E A ये होना चाहिए, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है, E A, बस दो में मुझे A भी दो ऑप्शन मिल रखा है, उसको चेक करना पड़ेगा, बाकी सब एक एक ऑप्शन पे है। C एंड B हैव वन पर्सन बिटवीन देम, अच्छा इसमें भी मुझे दो ऑप्शन मिल जाएगा, C एंड B हैव वन पर्सन बिटवीन देम, तो ये होना चाहिए, या तो C डैश B या तो B डैश C, ठीक है, देखेंगे। A and D have one person between them. Same तरीके से बोला है, A and B have one person between them. तो B dash A या फिर A dash B, ये होना चाहिए। A and D, अच्छा सॉरी मैंने D नहीं लिखा, इसको D लिखना है, D लिखो, ठीक है, मैंने B लिख दिया है गलती से, तुम लोग ठीक कर लो, ये D है, A और D के बीच में एक ही पर्सन है, अब D A D dash A A dash D, ठीक है, बस हो गया, अब हमें इसको एड ऑन करके करना पड़ेगा। अच्छा देखो एक चीज तो कंफर्म है, सी डी ऐसे होगा, अब बोल रहा है ए डैश डी होगा या डी डैश ए होगा, अगर डी डैश ए हुआ, ठीक है, तो इधर बोल रहा है सी डैश बी होना चाहिए, ठीक है, तो सी डैश बी कैसे लगाए, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी के जस्ट बाद ही तो डी है, ठीक है, तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला बी डैश सी, चेक करें क्योंकि सी डैश भी कैसे लगा, क्योंकि मैंने डी डैश ए लिया है ना। अच्छा तो इसके बाद क्यों सी डी देखो ऐसे बगल बगल ही होगा, अच्छा उसके बाद ई ए होगा, तो यहाँ ई लिख के देखते हैं, ई ए होगा, बी के बाद एफ होगा, ये बन गया, अच्छा तो सी डी हो गया, एफ जी या जी एफ में से कोई एक होना चाहिए, तो अगर मैंने बी यहाँ लिखा है, हाँ तो एफ के बाद तो जी नहीं आ रहा, जी एफ, अच्छा ठीक है, तो कर ई ए
एफजीई होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ तो ये हम लोग लेंगे तो ये मेरा पूरा बनेगा नहीं, क्योंकि मुझे इसका मतलब एफजी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर आएगा नहीं, ठीक है, तो एफजी ही लेना पड़ेगा, ठीक है चलो। तो फिर इसका मतलब ड्रॉ हम लोग का कुछ ऐसा हो जाएगा, एफजी कंफर्म है और इधर सीडी कंफर्म है, और एफजी का कुछ और बताया था, हाँ एफ के पहले बी होगा, हाँ बी ए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अच्छा तो ये नहीं लेंगे, ई ए होना चाहिए, ठीक है, और सी डैश बी या बी डैश सी होना चाहिए, तो यहाँ पर सी डैश बी लेना पड़ेगा, इसका मतलब अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये वाला लेना पड़ेगा, तो बी डैश सी वाला नहीं चलेगा। अच्छा और सी डी होना चाहिए, तो ये इधर ये होना चाहिए, ठीक है, तो सी डी ये भी ले लिया, यहां से ये ले लिया, ई ए होना चाहिए, ठीक है, ई ए पे तो अभी आए नहीं है, तो यहाँ पर बोल रहे डी डैश ए या ए डैश डी होना चाहिए, तो वो किधर लगाएंगे, ई डैश ई ए तो एक साथ होना चाहिए, कहाँ बोला था, हाँ ई ए एक साथ होना चाहिए, और ई ए और डी के बीच में सी आ गया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ई ए सी डी बी एफ जी ये होगा, तुम लोग का ड्रॉ एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है विद सेकंड एक्सट्रीम राइट, राइट साइड से एक्सट्रीम में सेकंड नंबर पे कौन है, एफ, आंसर एफ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। और 24th नंबर देखते हैं, बोल रहा है वी इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑन विच नंबर इज बी, लेफ्ट साइड से बी का नंबर 1 2 3 4th नंबर, ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, मतलब फिफ्थ नंबर हो जाएगा, हो गया ये वाला 23 24। अब हम लोग 25 से लेके 27 यही लास्ट है, तो 25 से 27 और 28 एक अलग है, और कुछ एक एग्जाम्पल वाला है वो देख लेंगे जिसमें सर्कल वाला क्वेश्चन है। 8% P2W are sitting in front of one another in two row. अब ये दो रो का हो जाएगा, each row has 4 persons, ठीक है, तो इसमें ड्रॉ हम लोग का कुछ ऐसा होना चाहिए, चार चार लोगों का ये बने, इसके हिसाब से हमें पोजीशन ढूंढना पड़े। अच्छा अब P से लेके W तक है, each row has 4 persons, P is between U and V, तो U P भी या फिर V P U इसमें से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है फेसिंग नॉर्थ, अच्छा P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ, तो P का फेस नॉर्थ साइड में, तो P कौन से रो में जाएगा, ये नीचे वाले में जाएगा, तभी उसका जो है मतलब फेस जो है नॉर्थ के साइड में होगा, मतलब ये यू पी भी ये इस वाले रो में ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर बोला है यहाँ पर Q who is immediate left of M, Q जो है वो M के immediate left में है, मतलब ये condition होगा M के left में, just left में Q होगा, मतलब Q M ये वाला होगा, facing W, और Q is who is immediate left of M is facing W, मतलब Q के just opposite में कौन है, W होगा, ये condition होना चाहिए, मतलब उसके front में W होना चाहिए। R is between T and M. R is between T and M. तो T M के बीच में R या M R T, पता नहीं क्या होगा, देखना पड़ेगा। अच्छा फिर बोल रहा है W is immediate right of V. तो V के just right side में W. ये बोल रहा है? हाँ ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा अब भी डब्ल्यू, भी तो पहले ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था नीचे वाले रो में जाएगा। अच्छा भी और डब्ल्यू का पोजीशन हम लोग का ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है, भी डब्ल्यू का पोजीशन, भी डब्ल्यू के साथ कौन जाएगा, यू और पी जाएगा, पी मिडिल में होगा, मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इधर रहेगा तो इधर तो हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, इधर ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखो यू पी भी डब्ल्यू ही लिखना पड़ेगा, क्यों देखो हम बता देते हैं, अब ये कंडीशन था मुझे लिखना है यू पी भी डब्ल्यू तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम भी डब्ल्यू के बाद यू और पी लगाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पी मेरा मिडिल में जाना चाहिए, तो फिर ये वाला कंडीशन तो हो नहीं सकता है, मतलब इधर वाला रेडी हो गया, क्या लिखेंगे, यू पी
पी डब्ल्यू, ये फिक्स्ड हो गया और कुछ नहीं करना है। अच्छा अब मुझे देखना है W के जस्ट ऑपोजिट में Q रहना चाहिए, मतलब Q का पोजीशन फिर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ठीक है, और Q के किधर M होना चाहिए, यहाँ पर बताया था Q who is immediate left of M, M के immediate left में Q होगा, तो M अगर मेरा इधर होगा तो M का लेफ्ट देखो यही है, ऐसा मत सोचो ये राइट है क्योंकि ये इन फ्रंट है ना, जैसे हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कर रहे थे तो ये राइट दिख रहा है तुम लोग को लेकिन ये इसका किधर है, लेफ्ट ही है ठीक है, तो M का इधर हो गया Q। अच्छा तो ये डब्ल्यू क्यू एम पोजिशन बन गया हम लोग का, अब होना चाहिए टी आर एम, मतलब आर बीच में जाएगा तो फिर आर यहाँ आएगा एम और टी के, तो टी इधर आ जाएगा बस हो गया। अच्छा अब देखते हैं क्या आंसर, मतलब क्वेश्चंस क्या क्या पूछा, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, पहला क्वेश्चन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, कौन बैठा है, पी, तो पी यानी ऑप्शन हम लोग का डी, ठीक है डी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर में बोला है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में, तो आर का राइट इन फ्रंट ऑफ है तो हमारा लेफ्ट जो है वो उसका राइट होगा, टी होगा ठीक है, तो टी यहाँ पर देखो एम और टी दिया है, मतलब दो ड्रॉ होगा, मैंने एक ही ड्रॉ करवाया बट दो ड्रॉ होगा, ऑप्शन सी होगा, अब दो ड्रॉ चेक कर लेना चाहिए हो रहा है कि नहीं, हमें क्या क्या ऑप्शन बोला है, हम लोग के हिसाब से क्या आया है, टी आया है, लेकिन इनका कहना है एम भी हो सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पर एम लिख दे, यहाँ पर आर लिख दे, यहाँ पर टी लिख दे, बोल रहे हैं तब भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो कैसे, देखो यहाँ पर बोला था क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में तो फिर नहीं आएगा, एम आर टी क्यू, ये फिर कैसे बनेगा, ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, एक सेकंड, P टू W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन एट अनदर ईच, वो उधर तो नहीं जाएगा ना क्योंकि P का फेस तो नॉर्थ में बोल रहा है, तो फिर ये तो फिक्स्ड हो गया, जो चेंज होगा अगर करना है हमें तो ऊपर ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो जाएगा ना क्योंकि इसका फेस तो बोल रहा है नॉर्थ में है, ये देखो यहाँ पर बोला था पी इज बिटवीन यू एंड ही फेसिंग नॉर्थ, पी जो है यूपी के बीच में है फेसिंग नॉर्थ, तो फिर ये तीन तो इधर सेट हो गए, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज क्यू, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। अच्छा ऐसे हो सकता है क्या, इधर क्यू तो फिर डब्ल्यू के इधर तो होगा नहीं है ना, अगर हम Q इधर कर दे वो तो W के इधर होगा बोल रहा है, तो फिर कैसे पॉसिबल है, ये वाला आंसर इन्होंने दे रखा है T और M, देखते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से क्या पूछा है, Who is sitting immediate right of R, R के राइट में, R का राइट किधर है, नहीं इधर नहीं होगा ऑपोजिट होगा ना, R के राइट में हमारे हिसाब से तो T है, ये लोग बोल रहे हैं M भी हो सकता है, मतलब ये जो टी आर एम मैंने किया ये बोल रहे कि एम आर टी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है एक बार लिख के देखते हैं, इधर लिख दिया मैंने एम आर टी, अगर ऐसे लिख दिया और इधर मुझे और किसको देना है, क्यू को देना है ठीक है, तो क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो एम का लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, तो फिर डब्ल्यू इधर लगाते हैं, इधर डब्ल्यू लगाते हैं, ये W हो गया। अच्छा अब R is between T and M, R is between T and M ठीक है, अब यहाँ पर बाकी तीन जगह पे कौन लगेगा, P, U और V के मिडिल में आ जाएगा, और U V करे कि V U करे, वो V U होना चाहिए, V W होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर who is immediate left of M is facing W, R is between T and M, W is immediate right of V, V के immediate right में W होना चाहिए, V का right, फिर तो ये तो नहीं बैठ रहा है, right तो इधर है फेस, हाँ वही तो इधर हो जाएगा, और अगर Q का in front में अगर हम लोग W नहीं देंगे तो फिर वो वाला पोजीशन भी तो नहीं होगा, यहाँ बोला है ना फ्रंट वाला मैंने सही पढ़ा,
चला गया. बी इज बिटवीन फेसिंग नॉर्थ. हु इज इमीडिएटली एम इज फेसिंग डब्ल्यू. एम का फेस डब्ल्यू के तरफ. ओ एम का फेस डब्ल्यू के तरफ है तो मैंने क्या गलत ड्रॉ कर दिया. एम इज फेसिंग डब्ल्यू बोला है ना, मैंने क्यू लिख दिया है. देखो P to W are sitting. Each row has 4%. P is between U and B, facing north. Q, who is immediate left of M, is facing W. नहीं ठीक है तो क्या है? Q ही W को face कर रहा है. Q is W को face कर रहा. ये तो होगा ही नहीं. ये तो possible ही नहीं है. फिर वो left right तो गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा ऐसे एक बार लिख के देखे. मैंने कर रखा है पहले का तो वो तो मैंने ये एक बार चेक करते हैं ये बन रहा है कि नहीं. ये क्या हुआ है मेरा तुम देखते हैं. यहाँ मैंने तो सही कर रखा है. कुछ तो मेरे से गलती हो रहा हो. यू पी पी डब्ल्यू ठीक है. अब चेक करते हैं एक बार. बोल रहा है कि ईच रो हैज 4%. पी इज बिटवीन यू एंड पी. पी इज बिटवीन यू एंड पी फुलफिल हो गया. And facing north, ठीक है. Q, who is immediate left of N? Q जो है वो immediate left of N का ये left हुआ. हाँ क्योंकि front है तो ये right है तो ये left हो गया. अच्छा facing W, हाँ W को face कर रहा है. फिर बोल रहा है R is between T and M. R देखो T और M के बीच में है. चलो R is between T and M. W is immediate right of B. W is immediate right of B. हाँ तो हाँ ये तो सही बना है. तब पता नहीं क्या गलत. सही नहीं हुआ. सही तो हो रहा है ठीक है. वो शायद तब मैंने पढ़ते वक्त कुछ गलत किया था. मतलब दो ड्रॉ हो सकता है. ये भी होगा. ओ ये तो पहले से ही किया हुआ. मुझे दूसरा लिखना चाहिए था. अच्छा रुको देखते हैं और एक बार ट्राई करते हैं. नहीं तो फिर देखेंगे कि आंसर ही गलत है कि नहीं. टी एम इधर एम होना चाहिए. इधर एम होना चाहिए. इधर अगर हम लोग कर लेते हैं एम और यहाँ पर आर यहाँ पर टी और यहाँ पर क्यू. अब देखो ये वाला यहाँ पर बोला है पी इज बिटवीन यू एंड वी. पी इज बिटवीन यू एंड वी हो गया. वो नहीं हो रहा है ना. फेसिंग नॉर्थ. क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ठीक है. हम देखेंगे ये वाला क्यों नहीं हो रहा है. अभी तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोग कर रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों मैंने पहले भी इसको एम और टी में मैंने टिक करवाया तो है ठीक है. हम चेक कर लेंगे. अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है. अभी के हिसाब से तो मेरा आंसर क्या हो रहा है. दोनों ये कॉपी के हिसाब से तो देखो हमारा ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है. अच्छा तो इधर जाने से क्या राइट होगा. इधर जिनका फेस है इधर हाँ मतलब ऊपर लेफ्ट राइट और नीचे लेफ्ट राइट इस तरीके से सोचा है तब जाके ये लेफ्ट राइट होगा. अच्छा तब तो फिर एक ही ड्रॉ में हमारा बनेगा. लेकिन क्योंकि एम इधर और क्यू इधर तो लिख नहीं सकते ना क्योंकि इमीडिएट बोल रहा है तो लेफ्ट राइट तो बन जाएगा लेकिन इमीडिएट कैसे बनेगा. मतलब ये जो है उसके हिसाब से तो इमीडिएट नहीं बन रहा है ना. ये देखो बोला है ना क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम. तो क्यू और एम तो मुझे पास पास ही लिखना पड़ेगा चाहे डायरेक्शन हम लोग कुछ भी ले ले एकदम पास. ओ इसके हिसाब से मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि ऐसा होना चाहिए ये लेफ्ट ये राइट तो ये ऑपोजिट वाला ऐसे राइट लेफ्ट हो जाएगा. और अगर हम लोग इसको लेफ्ट और इसको राइट लेते हैं तो यहाँ पर फिर ये राइट और ये लेफ्ट ऐसा बोलना चाह रहे. दोनों केसेस में सेम आंसर आ जाएगा. इसीलिए बोल रहा है टी और एम. हाँ ये बोल सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग लेफ्ट राइट को अपने हिसाब से वैसे देखें तो फिर हम लोग का मतलब ये नीचे वाला ही लेफ्ट राइट होगा. इसको हम लोग ऑपोजिट करके फिर इसका देखते हैं. मतलब ये पूरा चेंज हो जाएगा ऐसे करके तो फिर हम लोग का आंसर वो हो सकता है टी और एम ठीक है. हाँ वैसे हो सकता है एम और टी. तो ऑप्शन सी लगा देते हैं टी और एम अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो. फिर भी हम एक बार देख के बता देंगे ठीक है. अभी लिख लो. मुझे लगता है वैसा ही कुछ था.
और फिर बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स आर सीटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. इन फ्रंट ऑफ ईच अदर कौन 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 बैठा है? एम भी आर भी टी भी यू आर टी भी एम भी. हाँ एम भी बैठा है. ठीक है तो एम भी मतलब ऑप्शन ए ये सही है, ये मैच हुआ है. ऑप्शन ए एम भी पेयर में एम भी है, इन फ्रंट ऑफ पेयर है तो एम भी है. ठीक है तो तुम लोग कोई भी इसमें ड्रॉ करो ना कि वो एम भी तो आएगा ही आएगा. अच्छा अब ये 26 हो गया, सॉरी 27. अब 28 का इंडिविजुअल क्वेश्चन है. चलो 28 वाला बना के 28 में क्या बोला है? बोल रहा है फोर गर्ल्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर. ठीक है फोर गर्ल्स जो है सेंटर के तरफ फेस करके बैठे, सेंटर के तरफ फेस है ए से लेके डी. अच्छा बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. तो बी सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है मतलब बी सी ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है सी बी. ठीक है ये देखो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है. ठीक है ऐसे ऐसे ये चार ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है. देखते हैं क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इसीलिए डेफिनेटली वर्ड दिया है. अब कौन से ड्रॉ के ऊपर ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर अगर ऐसा है कौन सा ऑप्शन होगा ही होगा? बोलो ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, डी इज लेफ्ट ऑफ सी, ए इज लेफ्ट ऑफ सी. ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वो हर एक कंडीशन में फुलफिल होगा. देखो यहाँ ए डी आ जाएगा, यहाँ ए डी आ जाएगा, यहाँ ए डी आ जाएगा, यहाँ ए डी. अब डी ए भी कर सकते हो तुम लोग, उस पर ऑल्टरनेट करके देख सकते हो. लेकिन हमेशा एक बात ट्रू होगा ही होगा हर एक ड्रॉ में जिसमें ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होगा ही होगा. ठीक है ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. बाकी हो भी सकता है जैसे ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में ए, ये जरूरी नहीं है हर जगह पे. जैसे इसमें होगा लेकिन देखो ये वाले ड्रॉ में नहीं हो रहा है जो सेकंड वाला किया. फिर बोल रहे डी इज लेफ्ट ऑफ सी, जरूरी नहीं है डी हमेशा सी के लेफ्ट में ही हो. जैसे पोजिशन चेंज हो जाएगा डी के राइट में भी जा सकता है. ठीक है और यहाँ पर ए इज लेफ्ट ऑफ सी, ए इज लेफ्ट ऑफ सी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ड्रॉ चेंज हुआ तो वो राइट में भी जा सकता है. ठीक है तो ये हो जाएगा. और यहाँ पर एक तो क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, अच्छा क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देख लें. ठीक है ये वाला जो है इसमें जस्ट बताया है इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन नहीं है छोड़ो. हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ ये वाला देखो एग्जाम्पल थ्री. फोर चिल्ड्रेन आर सीटिंग इन ए रो, ये रो होगा. ठीक है ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, इफ सी इज नॉट नेक्स्ट टू डी हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट डी. बना के देखो यहाँ सोल्यूशन क्या हुआ, लेकिन उसको मत देखो तुम लोग, बना के देखो क्या आंसर है. इसमें भी काफी सारा ऑप्शन है, मैं चेक करना पड़े एग्जाम्पल. ऑप्शन डी वही तो दिया था, ऑप्शन डी आंसर है. ऑप्शन डी होना चाहिए, नहीं हो रहा. एग्जाम्पल थ्री देखते हैं क्या बोला है. बोल रहा है कि फोर चिल्ड्रन आर सिटिंग इन रो, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब ए बी या बी ए हो सकता है बट
सी कभी नहीं हो सकता है, मतलब ए सी या सी ए ये कंडीशन नहीं हो सकता, ये बोला है. फिर बोल रहा है इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी. अच्छा, और एक चीज भी बोला है सी डी या डी सी, ये भी नहीं चलेगा. अच्छा, फिर बोल रहा है हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, डी के बिल्कुल पास में कौन है. ठीक है, तो फोर चिल्ड्रन है, तो फोर चिल्ड्रन कौन कौन हो जाएगा हमें, ए बी सी डी. ठीक है, चार लोग क्या क्या बन जाएंगे, ए बी सी डी ये होना चाहिए. अब ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए. अगर हम ए बी लिख रहे हैं कि मान लो ए बी ऐसा है, अब बोल रहा है ए सी नहीं होना चाहिए, तो सी इधर नहीं लिख सकते हैं, तो सी को किधर लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं. सी डी नहीं होगा तो डी को इधर लिख सकते हो, तो डी ए बी सी देखते हैं, डी ए बी सी ये ऑप्शन से हमारा होगा कि नहीं. डी ए बी सी चलो चेक कर दो, ये तो पूरा कंडीशन शायद फुलफिल हो गया. देखते हैं क्या बोला, बोल रहा है कि हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, तो कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का डी ए हो जाएगा, क्योंकि किसी एक ऑप्शन से मुझे स्टार्ट करना था, तो ए बी से किया तो उसमें आंसर आ गया. बी ए से करोगे तो नहीं होगा, देखो बी ए से करोगे तो ए के बाद सी नहीं दे सकोगे, सी ए या ए सी नहीं होना चाहिए, तो सी डी भी इधर देना, सी डी भी नहीं होगा, सी डी डी सी नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब इधर सी, फिर इधर अगर डी दोगे तो हो सकता है सी बी ए डी. अच्छा, बी ए कर दिया मैंने, और ए सी नहीं होना चाहिए, ए सी नहीं हुआ, सी ए भी नहीं हुआ, सी डी नहीं होना चाहिए या डी सी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, तो सी बी ए डी. और इसमें हमें आंसर पूछा था कि हु इज एडजेसेंट टू डी, डी के एडजेसेंट वो ए ही आएगा. ठीक है, ऐसे भी करोगे तो उसमें भी ऑप्शन ए ही आ जाए. ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, नॉर्थ साइड में है. इसमें भी तुम लोग कंपास को वैसे बना सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिंपल ऐसे कर सकते हो जैसे होता है, उसमें भी बन जाएगा ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके बना लो, और नॉर्थ के तरफ सबका फेस है ऐसा बोला है. ठीक है, यहाँ पर पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट साइड में फोर्थ नंबर पे पी है, तो टी के राइट साइड में वन टू थ्री फोर्थ नंबर पे पी है, ये कंडीशन होगा. W is fourth to the left of S. W जो है वो fourth to the left of S है. तो अगर S यहाँ पर हुआ तो W इधर से fourth number पे जाएगा. ठीक है, ये दो condition fixed है हम लोग का. R and U which are not at the ends. R U side में नहीं जाने वाला. ठीक है, R U जो है end में नहीं जाएगा. R neighbor of Q and T. अच्छा, R का neighbor Q और U का neighbor T. ठीक है, तो R का नेबर U और Q का नेबर T ये बोला है. ठीक है, तो R U या फिर U R Q T या फिर T Q कुछ भी एक हो सकता है. अच्छा, who are sitting at the extreme ends. अच्छा, यहाँ पर W is next to the left of P, P is neighbor of Q, W is seat to the next of P के लेफ्ट में W है, P के लेफ्ट में W है, तो P के लेफ्ट में W यानी इधर लिख सकते, P के लेफ्ट में W चला गया. अच्छा, अब बोल रहा है P is neighbor of Q. P is neighbor of Q. P और Q neighbor है, लेकिन immediate neighbor है ऐसा तो नहीं बोला है. P is neighbor of Q बोला है. ठीक है, चलो P is neighbor of Q. Who are sitting at the extreme ends? Extreme end में कौन है? ये पूछा. Right side. Right side. P के right side में हम लोग Q ले सकते हैं. अच्छा. P is the neighbor of Q. ये ले सकते हैं. ठीक है, W P Q, हाँ ये बन सकता है. और यहाँ पर दो लोगों को देना है, W और S के बीच में चार लोग होंगे, तो एक दो तीन चार, और यहाँ S लगा सकते हैं. ठीक है, अब देखना पड़ेगा क्या आएगा, मतलब यहाँ T, अब देखते हैं T के बाद मुझे दो गैप मिला, W मिला, P मिला, Q मिला, फिर दो गैप और S. अब फुलफिल करके देखेंगे पढ़ के कि सही हो रहा है कि नहीं. अच्छा, एक चीज और भी हो सकता है, क्यू टी हो सकता है, मतलब यहाँ क्यू लिख सकते हैं क्योंकि नेबर है ना, चेक करके देख सकते हैं. और कौन किसका नेबर था, आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी, आर का नेबर कौन है, क्यू है. ओ, आर का नेबर क्यू है.
ये होगा आर का नेबर क्यू है और टी का मैंने उल्टा लिख दिया, टी का नेबर कौन है यू, यू ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए फिर, यहां पर क्या जाएगा यू जाएगा ठीक है और आर क्यू जाएगा, मतलब यहाँ आर आ जाएगा तो नेबर बन गया ठीक है। अच्छा तो बाकी बचा क्या नाम हमारे पास, वो पुट कर देते हैं, बाकी हम लोग के पास क्या बचा है यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो पी नहीं लिखा है अभी तक मैंने, नहीं लिखा है, पी लिख लिया क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें से क्या लिख लिया है पी लिख लिया है क्यू अच्छा आर एस टी यू भी और भी लिखना बाकी है। अच्छा भी के बारे में क्या बताया है कुछ, भी कहाँ जाएगा। अच्छा आर एस भी तो ने आर क्यू नेबर होगा, आर क्यू नेबर करते ठीक है। चलो पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, अब मिलाते हैं पी इज जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, वन टू थ्री फोर्थ ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है डब्ल्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में वन टू थ्री फोर नहीं हो रहा है, मतलब एस यहाँ पर आएगा ठीक है, एस वो पीछे नहीं जाएगा, एक घर आगे आ जाएगा तब ये फुलफिल होगा है ना, एस के एक दो तीन चार में हो गया, मतलब यहाँ पर एक ही नाम बचा, क्या आ जाएगा फिर भी है ना, भी आ जाएगा, बाकी सब देखो फुलफिल हो गया। एस के इधर आर एंड यू जो है वो एंड में नहीं होना चाहिए, आर यू किसी भी तरीके से हमारे एंड में नहीं आया और नेबर जो है क्यू और टी है तो वो देखो फुलफिल हो गया है, आर का नेबर जो है क्यू और U का नेबर जो है वो T, फुलफिल हो गया। W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट साइड में W ठीक है, P के लेफ्ट में W चला गया और P इज द नेबर ऑफ Q, PQ नेबर है, PQ नेबर भी बन गया। हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ये पूछा है T एंड S, T एंड S ये एक्सट्रीम एंड में है, यही पूछा था। हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यहाँ आंसर इस तरीके से दिया हुआ है टी एंड एस। यहाँ फिफ्थ नंबर है, फाइव है, सिक्स है, कितना सारा है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कंप्लीट तो नहीं होगा, काफी सारा है, इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व तक है ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसको ना होमवर्क दे देते हैं, फाइव से लेके ट्वेल्व तक हम लोग का जो एक्सरसाइज नहीं ये एग्जाम्पल का है ये हम होमवर्क दे रहे हैं ठीक है। ये करने के बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर सकेंगे ब्लड रिलेशन ठीक है, तो ये तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखो क्योंकि ये सब जो है खुद से करने वाला चीज है ठीक है, जितना खुद से करोगे तो ही कर पाओ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है ना तो किसी भी स्टडी मैट से किसी का भी आता है ठीक है, कुछ अलग ही क्वेश्चन देता है जिससे करना पड़ेगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे ठीक है, फिर आज इतना। बाय मैम।